हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीएसयू बैंकों के बारे में। यहाँ पे सरकार की तरफ से, निर्मला सीतारमण की तरफ से यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और यहाँ पे खबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है पीएसयू बैंकों के लिए। और यहाँ पे इस खबर को जानेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम स्पेशली बात करूँ तो पंजाब नेशनल बैंक के आगे जा करके क्या लेवल टारगेट आएंगे उसके बारे में खास करके बात करना चाहूँगा। क्योंकि पीएसयू बैंकों की बात करें तो कल ही मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का, आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो बनाया, क्योंकि यहाँ पे भी बढ़िया पोजीशन बनाने का मौका था। और इसके बाद जो बढ़िया मुझे मौका दिखाई दे रहा है वो पंजाब नेशनल बैंक में दिखाई दे रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, तो इस वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। तो बात स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग से। 36 रुपए 45 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 10 पैसे ऊपर 0.28% की आपको तेजी दिखाई दी। और यहाँ पे तेजी के पीछे कारण, यहाँ पे मार्केट में बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम था और पीएसयू बैंकों में भी अच्छी खासी तेजी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक मीटिंग ली थी उसका भी असर कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहाँ पे बैंकों पर देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं सीधा उसी न्यूज पे लेके जाना चाहूंगा और न्यूज को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग हेड ऑन 12 पीएसयू बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, केनरा बैंक टू लॉन्च ईएएससी 408 12 PM। मतलब कि आज 12 बजे यहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी जिसमें ईएएससी यहाँ पे लॉन्च होने वाला था। आप बताओगे ईएएससी, इसी का मतलब क्या है? तो इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस करके यहाँ पे एक जो सिस्टम है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था पीएसयू बैंकों के लिए, जिसके चलते आगे उन बैंकों को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से और भी यहाँ पे बयान निकल कर आ रहा है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज चेयरिंग द एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग विद द हेड ऑफ 12 पीएसयू बैंक्स इन मुंबई अगस्त 25। मतलब कि आज ही यहाँ पे 12 पीएसयू बैंकों को इंक्लूड किया गया था इस मीटिंग में। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, मतलब कि डीएफएस की बात करें तो उनके सेक्रेटरी दाबाशीष पांडा भी इसमें मौजूद थे। और यहाँ पे बात करें एडिशनल सेक्रेटरीज की बात करें डीएफएस में, तो यहाँ पे फाइनेंस पंकज जैन भी यहाँ पे शामिल थे और अमित अग्रवाल भी यहाँ पे प्रेजेंट थे इस मीटिंग में, ऐसा बताया गया। इन सभी ने मिलकर यहाँ पे पीएसयू बैंकों की जो यहाँ पे सिचुएशन है उसको रिव्यू किया, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, आईओबी एंड पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पे शामिल किया गया था, और उसकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको भी रिव्यू किया गया था। अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया खबर है पीएसयू बैंकों के लिए। यहाँ पे सरकार लगातार उस पर पॉजिटिव जो काम है वो करती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैं बात करूँ पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक में जो भी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग करने का सुनहरा मौका अवेलेबल है। ऊपर की तरफ से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, और आपने क्वार्टर वन के रिजल्ट पढ़े होंगे तो यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत ही शानदार थे। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और पंजाब नेशनल बैंक की सिचुएशन क्या है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें 45 रुपीज के आसपास का हाई बनाने के बाद यहाँ पे लगातार गिरावट की सिचुएशन थी, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा, आप देख सकते हो 35 रुपये से लेकर के 33 रुपये 80 पैसे के बीच। मतलब कि यहाँ पे एक जोन था, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और वहाँ से ही बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बाउंस बैक यहाँ पे 39 के लेवल तक अभी कंटिन्यू रह सकता है, उसके ऊपर 41.50 पैसे का भी एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, और वंस एक क्रॉस कर लिया तो 45 के लेवल मुझे लगता है जल्दी से पंजाब नेशनल बैंक आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। आपको बस छोटा सा एसएल रखना है, मतलब कि 33 रुपये के आसपास का एसएल रख करके इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे आपके लिए टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 45 है, बाकी मुझे लगता है अगर आप 1 से 1.5 साल के लिए इसको यहाँ पे होल्ड करते हो तो 75 तक के लेवल आपको पीएनबी में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा इन लेवलों का आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जरूरत हमें अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल जीरो दम में अकाउंट ओपन कर सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर है, वो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा। आरएसए का लेवल देखें तो यहाँ पे ओवरसोल्ड की सिचुएशन थी, 30 से भी नीचे था, परंतु वो बाउंस बैक होकर के 35 के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आरएसए में भी यहाँ पे रिवर्सल के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। पंजाब नेशनल बैंक NSE की वेबसाइट पे 36 रुपये 45 पैसे के आसपास क्लोजिंग, हाई 36 रुपये 90 पैसे, लो 36 रुपये 25 पैसे। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो बढ़िया क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 4,54,99,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 57,26,000 शेयर की डिलीवरी। हालांकि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 12.50, मतलब कि 12.5% की यहाँ पे डिलीवरी दिखाई दे रही है, जो कि रिलेटिवली बोले तो कम है, परंतु जो ट्रेडिंग हुई है वो बढ़िया हुई है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।